सबसे बड़ी खबर, मायावती ने भीम आर्मी मुखिया चंद्रशेखर पर लगाया आरोप। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने चंद्रशेखर पर हमला बोला है। मायावती ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली के जामा मस्जिद के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और अपनी जबरन गिरफ्तारी करवाता है, क्योंकि यहां जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी के लोगों से अपील की कि ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टियों से हमेशा सचेत रहें। मायावती ने कहा, दलितों का आम मानना है कि भीम आर्मी का चंद्रशेखर विरोधी पार्टियों के हाथों खेलकर, खासकर बीएसपी के मजबूत राज्यों में षड्यंत्र के तहत चुनाव के करीब वहां पार्टी के वोटों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर प्रदर्शन आज करके फिर जबरन जल जाता है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के लिए पुलिस ने शनिवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने के लिए 20 अन्य उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस ट्वीट से साफ होता है कि मायावती और चंद्रशेखर दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन इन रास्तों का उद्देश्य क्या है वो वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।